18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जम्मू नगर निगम की कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि 42 करोड़ रुपए की लागत से गांधी नगर जम्मू में गोल मार्केट का सौंदर्यकरण पूरा हो चुका है और आज शाम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य बाजारों के सौंदर्यकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही उद्घाटन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल जी हैं। राहुल जी, आज जो है इस प्रोग्राम के साथ साथ एक और उपलब्धि जो है जम्मू को मिलने वाली है, गांधीनगर गोल्ड मार्केट को भी स्मार्ट सिटी के तहत बहुत अच्छा बनाया गया है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं? अगर देखिएगा, जम्मू नगर निगम और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगातार काम किया जा रहा है जम्मू को बेहतर बनाने के लिए, और उसी क्रम में आज हमारा अप्सरा रोड का इनॉग्रेशन माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा किया जाएगा, और जिसमें कि हमने 600 मीटर की वहाँ पर कोबल रोड बनाई है, स्ट्रीट ब्यूटिफिकेशन किया है, और उसके साथ ही केवल वहाँ तक सीमित न रहकर उसके आसपास के एरिया में भी करीब 13 किलोमीटर की रोड्स वहाँ पर या तो कंक्रीट रोड बनाई गई है या फिर बीटी रोड बनाई गई है। तो लगातार काम जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इस आने वाले एक महीने में लगातार इनॉग्रेशन जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किए जाएंगे। हमारा वावे वाली माता का जो रोड का सौंदर्यकरण का काम है वो जो है वो तकरीबन करीब कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जब इस बार नवरात्रा में लोग जाएंगे तो उनको एक डिफरेंट व्यू बावे वाली माता का देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट रणवीर कनाल का काम जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही जम्मू में हमारी ई बसेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा चेंजेस जम्मू में देखने को मिलेंगे। देखिए, गोल्ड मार्केट सर वो बाजार वाकई बहुत खूबसूरत और रात के वक्त ज्यादा खूबसूरत लगता है, और ऐसे में जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं और खासकर पिलग्रिम्स आते हैं और बाजारों में फेस्टिवल सीजन आने वाला है, कितनी सहूलियत हो जाएगी? देखिएगा, अलग अलग जगहों पर लगातार काम किया जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टूरिज्म के लिहाज से बावे वाली माता को का सौंदर्यकरण किया गया, उस एरिया का सौंदर्यकरण किया गया और अभी और भी किया जा रहा है, और इसी तरीके से हमारा महोमाया टेम्पल पर भी के अराउंड भी वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस समय रघुनाथ बाजार के भी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, सुविधा प्रोवाइड करने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा काम किया जा रहा है, और उसमें जम्मू नगर निगम जो है वो एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, और जम्मू नगर निगम द्वारा भी लगातार काम किया जा रहा है। जो बाजारों का ब्यूटिफिकेशन है उसमें तकरीबन कितना पैसा इन्वॉल्व है स्मार्ट सिटी के तहत, खासकर गांधीनगर की बात करें जो गोल्ड मार्केट जिसका आज इनॉग्रेशन है? देखिएगा, हमारा जो गोल मार्केट का प्रोजेक्ट है उसमें तकरीबन 42 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमारा टोटल मैंने आपको बताया कि करीब 20 किलोमीटर का बेसिकली एरिया इसमें है, 13 किलोमीटर जो है इसमें कंक्रीट रोड है, फिर 7 किलोमीटर के अराउंड इसमें बीटी रोड है, और 600 मीटर जो है वो कोबल स्टोनिंग की गई है। सो 42 करोड़ रुपया इसमें, और इसके अलावा इसमें डक्टिंग भी की जा रही है जो यूटिलिटीज है अप्सरा रोड पर उनकी। सो एक एक मेजर प्रोजेक्ट जम्मू के लिहाज से है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेजर प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू के लिहाज से गोल्ड मार्केट जम्मू गांधीनगर, जो कि एक व्यस्त बाजार है जम्मू का, उसकी ब्यूटिफिकेशन की गई है, और इसी पैटर्न पे जो अन्य जगहें हैं जम्मू की जो टूरिस्ट के लिहाज से काफी अहम है, उनका भी ब्यूटिफिकेशन का काम स्मार्ट सिटी के तहत तेज कर दिया गया है। कैमरामैन नवेंद्र के साथ राजन, न्यूज़ 18 जम्मू।